निर्वाचन परठारु राज्य कांग्रेस मुख्यपद खाली पड़ी। कांग्रेस भवन भी खाँ खाँ हेले हठात आज कांग्रेस भवन चलचंचल होता। कारण थिला नुआ राज्य सभापति बाछवापाई कांग्रेस भवन में पहुंची दुई पर्यवेक्षक आउ पर्यवेक्षक चरण दास समांत एवं मीनाक्षी नटराजन राज्य कांग्रेस भवन में दलय नेता सहित वन टू वन कथा होती। रिपोर्ट हाइकमाण पाखे उपस्थापन कर धरिबो राज्य कांग्रेस मंग कांग्रेस भवन में घमासान चली पीसीसी सभापति चयन कसरत आसी पर्यवेक्षक आर्यवेक्षकों आगे नेताए कर शक्ति प्रदर्शन राज्य कांग्रेस नुआ नेता बाछवापी छत्तीसगढ़ विरोधी दल नेता तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण दास महंत एवं वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन भुवनेश्वर में पहुंच मानस मंथन करेस भवन में निज निजर पतियारा प्रदर्शन करते कि नेता कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति पांचज विधायकों सांगे धरी कांग्रेस भवन में पहुंची से ही सानखेमुंडी विधायक रमेश जेना निजर पतियारा देखा विशाल राली करी से कांग्रेस भवन में पहुंची मोहम्मद मोकिम मध्य निज समर्थकों धरी कांग्रेस भवन में पहुंची न कहले भी राज्य कांग्रेस परवर्त सभापति होगापी जमी नेता चली लबी आसतु शुणा कौन कहते नेता मैंने राहुल गांधी सोनिया गांधी खड़केजी जहाँ निष्पत्ति ने आम समस्त समर्थन करवा ये गोटे रेजुलेसन होद्वारा कि मुझे कथा उठाया पर समस्ते समस्त सीनियर लीडर एक स्वीकार कर दुज अनुभवी ओडिशा संपर्क से माने तर्जमा करेंगे भ्यूज ने हाईकमांड को देवे एआईसीसी निष्पत्ति परे जहाँ किसी भी हम आपर मोर किसी कह समस्त भाई जोश अच्छी जेहेतु प्रहारी मैंने आब्जरवर आंग्रेस गोटे नुआ दिशा जीव अपेक्षार अंत करने समस्त अपेक्षा कर हेले भुवनेश्वर आसीथिबा पर्यवेक्षक जमिति कौनसी चापरे आसीबे नाही से नै प्रथमरु सिग्नल देथिले चरण दास महंत को विमान बंदर रे स्वागत करबा को जाइथिबा एक बर्नाढ्य गाड़ी को से एड़ाई जाइथिले बरंग विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम को गाड़ी रे से कांग्रेस भवन रे पहुंचीथिले। राज्य कांग्रेस भवन रे विभिन्न नेतांकर मतामत नैथिले दुई पर्यवेक्षक स्टीयरिंग कमिटी सदस्य एवं विधायक मानक सह वन टू वन आलोचना करिथिले। एहा परे विभिन्न छामुआ संगठन सह आलोचना करी मतामत संग्रह करिथिले। बैठक में सर्वसम्मति क्रमे एक रिजोल्यूशन पास होइतला आउ एही रिजोल्यूशन थिला जहाँ को हाईकमांड बाछिबे आमे तांकु ग्रहण करिबु। एथिसहित चरण दास महंत स्पष्ट कर देथिले जे तांको पाखरे कौनसी लबी काम करिबो नाही। हमारे पास कोई लाभी काम नहीं रहता, हम बिना लाभी के आते हैं। देखिए 13 तक तो 20 तक इलेक्शन है, हम रिपोर्ट देंगे भी तो पढ़ेंगे नहीं, तो अभी तो आराम से इनसे मिलकर रिपोर्ट बनाएंगे और 23 तारीख के रिजल्ट होने के बाद हाईकमान से चर्चा होगी, बात करेंगे, वो और कहेंगे कि और जाओ तो और आएंगे, तो चलता रहेगा। सूचना अनुसार हाईकमांड एत शीघ्र मतामत जनाऊ ना महाराष्ट्र एवं झारखंड निर्वाचन परे अर्थात नवंबर 23 परे हाईकमांड को पाखरे ओडिशा रिपोर्ट दाखल हेबो तापरे जहां निष्पत्ति नियाजिबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दुर्गा सरोज मल्लिक और समीक्षा पट्टनायक रिपोर्ट न्यूज 7।